बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बनाएंगे ब्रेड पकौड़ा रेसिपी। उसके लिए हम ब्रेड लेंगे, उसका सैंडविच तैयार करेंगे, फिर बेसन के मसाले में मिक्स करके फ्राई कर लेंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फ्राई पैन लेंगे, उसमें ऑयल डाल के गर्म कर लेंगे। एक बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे और उसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। एक बॉल श्रेड किया हुआ चिकन डाल दें, इसको अच्छे से 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लें। एक चम्मच लाल मिर्च डाल दें, एक चम्मच नमक डाल दें, एक चाय का चम्मच काली मिर्च डाल दें, एक चाय का चम्मच गरम मसाला डाल दें। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। थोड़ा सा हरी मिर्च और हरा धनिया डाल दें। मिक्स करने के बाद उबले हुए मैश किए हुए आलू डाल दें, अच्छी तरह मिक्स कर लें। एक मिनट के बाद हमारा मसाला तैयार हो जाएगा। मसाला रेडी है अब हमारा। चलिए अब हम बैटर तैयार करते हैं बेसन का। ये 11 बॉल लें, उसमें 1 प्याली बेसन डाल दें। एक खाने का चम्मच लाल मिर्च डाल दें, एक खाने का चम्मच नमक डाल दें। एक एक चाय का चम्मच सूखा धनिया और जीरा डाल दें। अब इसको सोफर पानी डाल के मिक्स करते हैं। अच्छी तरह मिक्स करके पेस्ट बना लें। एक पिंच मीठा सोडा डाल दें, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। बेसन का मसाला अब हमारा तैयार है। अब हम सैंडविच तैयार करेंगे, उसके लिए हम ब्रेड लेंगे। ब्रेड के 2 स्लाइस ले लें और इसका सैंडविच तैयार कर लें। मसाला जो हमने बनाया है उसको इस्तेमाल करें।
सैंडविच बनाने के बाद अब इसको चार हिस्सों में काट लें। अब इसको एक पीस लें और इसको मसाला लगा के फ्राई कर लें। एक पीस लें, इसको मसाला लगाएं और फ्राई करें। अब हमारे ब्रेड पकौड़े तैयार हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अल्लाह हाफिज़।